एक और महिला साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैडम, आपका नाम? शाइना मोंगा। शाइना मोंगा जी कहाँ की रहने वाले हैं? लोकल से। कितने सालों से रह रही है सिरसा में? हम वो मतलब जब से पैदा हुई सिरसा से ही। मतलब डेरा सच्चा सौदा नाम की एक संस्था है सिरसा के अंदर, जानती हैं आप उसको? हाँ जी, वो करीबी से रोज डेली आना जाना रहता है। हम जुड़े हैं यानी क्या? हाँ जी, वो 94 से जुड़े हुए हैं। काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका डेरा सच्चा सौदा जुड़ने के बाद? सच्चा सौदा मतलब जुड़ने के बाद हम मतलब अच्छे कर्मों की तरफ लगे हुए हैं, अच्छाई की तरफ जुड़े हुए हैं। मतलब जो काम करना है अच्छा ही करना है, बुरा तो करना ही नहीं, बुराई को तो रोकना है हमने, नशों को रोकने हैं, मतलब और सामाजिक भलाई के कार्य करने हैं। मतलब उनको बाबा जी अभी नहीं है समाज में, क्या कोई समाज में या सिरसा में कोई बदलाव आया? नशे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जब से नामदान बंद हुआ है, पिताजी चले गए, तो उसके बाद नशे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ज़रूरत है आज समाज को बाबा राम रहीम? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक वो नहीं आते तो नशे ऐसे बढ़ते रहेंगे, बुराइयाँ बढ़ती रहेगी। तो जब तक सत्संग शुरू नहीं होता, नामदान दोबारा से शुरू नहीं होता, तब तक मतलब बुराइयाँ ही काफ़ी बढ़ रही हैं। काफ़ी कुछ सुना था पिछले सालों में मीडिया में, जैसे कि अखबारों में भी दिखाया गया कि यहाँ पर महिलाएँ सेफ नहीं हैं, तो कभी डर नहीं लगता आपको आते हुए? हमें डेरे आते हुए ना, हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। हम जैसे आज मैं 5 मिनट भी लेट होगी तो मेरे को ऐसे लग रहा है हाई मैं फटाफट जाऊँ भाग के, तो घर पे तो ऐसे मन नहीं लगता। जैसे उछाल आता है फटाफट डेरे जाएं, जब तक डेरे नहीं जाते तब तक कुछ अच्छा नहीं लगता। ये थे हमारे साथ सिरसा के रहने वाले लोग, जिन्होंने बताया कि नशा जो है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है बाबा जी के ना होने के कारण। जितने भी लोगों से बातचीत की है, जो गंभीर समस्या उभर कर सामने आई है वो नशे की है। तो कहीं ना कहीं ये एक दुष्प्रभाव है समाज के लिए और एक बुरा असर है जो बाबा जी के ना होने के कारण शायद ज़्यादा हो रहा है। तो आप भी बने रहिए द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।